वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फिर से अगली वीडियो में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, खुशी होती है कि आप वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर भी करते हैं, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज आज हम लोग जो बात करेंगे और या जो चीज़ की पढ़ाई करेंगे, वो इससे पहले जो लास्ट वीडियो आपने देखा है, वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, उसी के कुछ और जो प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं उसके बारे में आज जानेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कि क्या पढ़ना, हमको कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। देखिए ध्यान से, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। अच्छा, हम ये एन इज जस्ट अ वेरिएबल। एन क्या है? वेरिएबल, इसके जब कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये इसको अभी हम लोग बात करेंगे तोड़ने के बारे में। n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया। कह रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, n एक नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है उन सब के लिए वी हैव n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपको पता ही होगा, यू नो डैट वेरी वेल कि फार्मूला क्या होता है। अगर हम इसको देखिए, हम इसको तोड़ के बता देते हैं। इसको a मान लें और इसको b मान लें। आप फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसमें बीच माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और माइनस इंटू ए माइनस बी, यही है और कुछ नहीं है। तो आपको पता है कि हमने क्या करा कि ये पूरा को a स्क्वायर माना, तो a मान लिए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, a को लिखेंगे n प्लस वन, हो गया। फिर a लिख दिए, ये a का पार्ट हो गया, a के लिए ये हो गया पूरा, सॉरी a के लिए ये हो गया। b के लिए क्या लिखेंगे, n, हो गया। अब चलिए इसमें आते हैं, फिर a के लिए क्या लिखेंगे, n प्लस वन, और b के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस n। ये कैसे बन रहा है, देखिए n और n क्या हो गया, 2n प्लस वन हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए n से n कट गया, यहाँ पर बच गया 1, मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इंटू 1। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज होने जा रहा है। और आपका वैल्यू अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n प्लस वन प्लस n। अगर हम, ये तो आपका वैल्यू आ गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, n प्लस वन प्लस n, यानी कि ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया, ये a और ये b हो गया, a के जगह पर हम लोग। तो अभी आपको जब हम इसको फैक्टर किए थे, तोड़े थे, अलग अलग सेपरेट किए, स्प्लिटअप किए, बहुत सारा है, तो क्या आया, n प्लस वन यानी कि a और b, तो ये a हो गया और ये b हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर सपोज डैट ऐसा कुछ नंबर आता है, मान लीजिए कि अगर हम आपको बता दें कि नेचुरल नंबर है 35 कैसे होगा, अभी बता, 35 माइनस 34 का स्क्वायर। आपको पता है इसको हम कैसे, किस रूप में लिखेंगे, 34। आपको पता है n, ये n के जगह पर क्या लिखे हम, 34, n के जगह पर क्या लिखे, 34, तो n के जगह पर 34 लिखे, तो यहाँ पे n के जगह पर क्या पुट करेंगे, 34 प्लस 1, तभी तो ये बनेगा 35 का स्क्वायर और यहाँ पे 34, तो केस तो वही बन रहा है, इसमें कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, बस कुछ नहीं करना है, हम लोगों को करना क्या है, अब ये टोटल पार्ट का वैल्यू 35 होता है जोड़ने पर, तो
तो ये टोटल जो है अगर 34 और 135 हो जाएगा, 35 को किससे जोड़ देना है, 34 से, तो ये उतना लंबा नहीं करना है, फॉर्मूला पे तोड़ना उड़ना नहीं है, स्क्वायर भी नहीं निकालना है, तो ये आपका कितना आ गया 5496, ये 69 आया। ये 69 पता है क्या आया, अगर आप ऐसा कुछ करने जाते n, मान लीजिए n, इफ़ यू हैव n इज इक्वल टू 34, अगर आपके पास 34 है, n के बराबर क्या है 34 है, तो आप यहाँ पे 34 पुट करते प्लस 1 और यहाँ पे क्या करते 34 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 34 और 1 क्या होगा 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो अगर आप इस रूल को नहीं आप जान पाते या नहीं जान रहे होते तो आप क्या करने जाते, पहले 35 का स्क्वायर निकालते, फिर 34 का स्क्वायर निकालते, 35 के स्क्वायर में से 34 के स्क्वायर को लेस करते, तो आपका जो आंसर आने वाला था वो 69 आता, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो ये इसमें बहुत टाइम, दिस इज़ द टाइम टेकिंग जॉब, तो डैट्स वाई वी डू नॉट कैलकुलेट लाइक दिस। तो इस तरह से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये फार्मूला होता है, तो हम जब ऐसा सिचुएशन आएगा, देख लीजिए नंबर, जब एक का गैप हो, दो नंबर के बीच में कितने गैप है, देखिए 34 और 35, तो ऐसा गैप हो तो हम बस क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये एन मतलब वेरिएबल नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट ऑड एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ऑड एन, फर्स्ट मतलब क्या हुआ, फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि हम लोग नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। देखिए एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर्स हैं, तो कह रहा है इन सब का ऐड, तो n कह रहा है, n कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करके उसके बाद उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, तो ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम क्या करेंगे नंबर काउंट कर लेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये 25, आप काउंट कर लीजिए, इसका आंसर जो है 25 ही आने वाला है जोड़ने के पर, ये एक नॉर्मल सा है, 9 और 7 कितना 16 और 5 21, 21, 3, 24 और 1, 25, तो कुछ और भी कर ले, कुछ और कर लेते, देख लीजिए यहाँ पर 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 हो गया। तो देखिए ये जो है आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये मत कर दीजिएगा कि 1, 2, 3, 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसा नहीं, आपको शुरू से काउंट करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ये देखिए 9 है, हो गया नंबर कितना है टोटल 9 है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो ये अगर आप इस सबको काउंट करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा, यानी कि फर्स्ट, देख लीजिए अगर हम यहाँ से अब मतलब इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर इसको 25 और 11 क्या हो जाएगा 36, 46, 49, 49 और 15 क्या हो जाएगा 64, 64 और 17 क्या हो जाएगा 81, तो कंटिन्यू, देखिए फर्स्ट है ना, सब ऑड नंबर है, कंटिन्यूसली आ रहा है, कंसेक्यूटिव फॉर्म में है, तो इसीलिए ये जब हम लोग ऑड नंबर का ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग इस तरह का इस नंबर काउंट कर लेंगे कितने ऑड नंबर्स हैं।